बस एक चम्मच डालिए, टेस्ट ऐसा कि भूल नहीं पाएंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, ओम श्री किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले गैस में रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने ऐड किया है आधा चम्मच देसी घी। घी जैसे ही गर्म होगा तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1/4 कप सेवैया। चम्मच में देखेंगे तो 4 चम्मच सेवैया, आप कोई सी भी ले सकते हैं, मोटी पतली जो आपके पास अवेलेबल हो। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। सेवैया को लगातार स्टेयर करते हुए गोल्डन सुनहरा कलर आने तक रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, इस स्टेज तक सेवैया यहाँ पे रोस्ट हो गई है, तो ट्रांसफ़र करेंगे। सेवैया को रखेंगे साइड में। अब यहाँ पे कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच पानी। पानी ऐड करने से क्या होगा कि जब हम दूध ऐड करेंगे तो कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। तो अब यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर दूध ऐड किया है। दूध आप कच्चा, पक्का, टोन मिल्क, फैट मिल्क कोई सा भी ले सकते हैं। इस स्टेज में गैस की फ्लेम हाई रखेंगे, लगातार दूध को स्टेयर करते हुए उबाल आने का इंतजार करेंगे। तो ये लीजिए, दूध में उबाल आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम करेंगे और ऐड करेंगे सेवैया को। तो ये लीजिए, यहाँ पे सेवैया को हमने ऐड कर दिया है। लगातार स्टेयर करते हुए गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक सेवैया को हम पकाएंगे। तो 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं, यहाँ पे हम चेक करेंगे, क्योंकि सेवैया को अभी हमें 50% तक ही पकाना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चम्मच में थोड़ी सी सेवैया को इस तरह निकालेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम सेवैया को चेक करेंगे, क्योंकि सेवैया बहुत गर्म रहती है, इसलिए जल्दी आप टच ना करें चम्मच को। तो ये देखिए, सेवैया यहाँ पे 50% तक पक गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऐड की है। चम्मच में देखेंगे तो 4 चम्मच चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। जैसे भी मीठा खाना आप पसंद करते हो, 1/3 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच चिरौंजी दाना, 1 चम्मच बारीक कटे हुए बादाम, 1 चम्मच बारीक कटे हुए काजू। ड्राई फ्रूट्स में जो भी आपको पसंद हो आप अपने मनपसंद के डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे, यहाँ पे 3 से 4 उबाल आने देंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 बाउल और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। जी हाँ, 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालने से आपकी सेवैया बनेगी सुपर टेस्टी। तो यहाँ पे कस्टर्ड को मैंने पानी में घोला है, आप चाहें तो दूध में भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, घोल बना सकते हैं, लेकिन जो आप दूध लीजिएगा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 चम्मच पानी ऐड करके कस्टर्ड को घोल बना के रेडी कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक हाथ से कस्टर्ड को डालते जाएंगे, चम्मच से एक हाथ से स्टेयर करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि लम्स नहीं होंगे। अगर आप डायरेक्ट ही डाल देंगे तो लम्स हो सकते हैं। लगातार स्टेयर करते हुए सेवैया को हम पका लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। सेवैया को ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है, 4 से 5 मिनट में सेवैया हमारी पक के रेडी हो जाएगी। ये देखिए, सेवैया यहाँ पे पक के रेडी हो गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार सेवैया को और चेक कर लेंगे। वैसे तो सेवैया पक ही गई है, लेकिन हम आपको एक बार चेक करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, सेवैया अच्छे से पक गई है। तो अब जैसे भी आप गाढ़ी पतली सेवैया खाना पसंद करते हो तो आप उस हिसाब से पका सकते हैं। आप अगर ज़्यादा गाढ़ी सेवैया खाना पसंद करते हैं तो और पका सकते हैं, लेकिन हम इसी स्टेज तक सेवैया को पकाएंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद सेवैया और भी गाढ़ी हो जाती है, इस बात का आप खास ध्यान दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सेवैया को बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर हम आपको क्लोजअप दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सेवैया हमारी इस तरह की बन के रेडी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, सेवैया को हाफ ढक देंगे, ठंडा होने देंगे। आप चाहें तो गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, जैसे भी आपको खाना पसंद हो सेवैया। तो यहाँ पे सेवैया पूरी तरह से ठंडी हो गई है, तो आप चाहें तो आप इस स्टेज में खा सकते हैं। अगर ठंडी ठंडी चिल्ड सेवैया खाना आपको पसंद है तो फ्रिज में भी 2 से 3 घंटे के लिए रख सकते हैं, फिर आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसी स्टेज में सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सब्जा भिगा के रख दिया था 1 चम्मच। ये देखिए, जब हम सब्जा को नहीं भिगाते हैं तो इस तरह का सब्जा दिखता है। सब्जा सीट आपको किसी भी किराना स्टोर, सुपर स्टोर में बहुत इजी तरीके से मिल जाएंगे। ये देखिए, 1 चम्मच भिगाने के बाद सब्जा इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है। डबल क्वांटिटी में 5 से 6 चम्मच पानी ऐड करके सब्जा को हमने 1 घंटे पहले भिगा के रख दिया था। बहुत अच्छी तरह से सब्जा फूल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं सर्विंग की ओर। तो यहाँ पे मैंने सर्व किया है आइसक्रीम बाउल में। आप कांच के ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं। तो हमने आइसक्रीम बाउल में ऐड किया है 1 चम्मच सब्जा। साइड में इस तरह रूअफजा डाल देंगे सिरप को। देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अब यहाँ पर हम डाल देंगे
2 से 3 चम्मच सेवैया को। इसी के साथ अब यहाँ पे हम ऊपर डालेंगे वापस सब्जा सीड, साइड में डालेंगे ताकि लुकिंग वाइज अच्छा लगे देखने में। तो ये लीजिए सब्जा को यहाँ पे हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे वापस डॉट में रोज सिरप है। आप अपने हिसाब से भी रेसिपी को सजा सकते हैं, जैसे भी आपको सजाना पसंद हो। तो ये लीजिए यहाँ पे हमने रोबजा को डाल दिया, वापस सेवैया को डालेंगे, वापस यहाँ पे हम थोड़ा सा सब्जा सीड को डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, वापस यहाँ पे हम एक चेरी डालेंगे ताकि सेवैया देखने में अच्छी लगे, साथ में वापस थोड़े से डॉट्स डाल देंगे हम रोबजा के। तो ये लीजिए सुपर टेस्टी हमारी यहाँ पे कस्टर्ड सेवैया बन के रेड। ट्राई जरूर कीजिएगा, एक के बाद एक त्यौहार है, मेहमान घर में आते ही रहेंगे, आप बना के खिलाएंगे, आपकी बहुत ही तारीफ करेंगे, आपके घर में बड़े और बच्चों को सभी को पसंद आएगी। ट्राई जरूर कीजिएगा, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।